गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट। बच्चों, पहले मैंने आपको एनिमल्स नेम करवाए थे, आज मैं आपको बुक का पेज नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया सेलिब्रेट्स। सेलिब्रेट्स क्या होता है, मनाना। तो हमारे देश में, इंडिया में बहुत से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें से हम 3 नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार, जिनको पूरा देश बड़े धूमधाम से मनाता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम 3 नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। टिक देयर नेम्स, वो हम कब मनाते हैं उनके बारे में इस पेज में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 15 अगस्त, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे जहाँ पर लिखा हुआ है, उसके हम ऊपर हम टिक का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट 2 नंबर पे ये क्या लिखा हुआ है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जी का बर्थडे होता है, जिसको हम गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जहाँ पर गांधी जयंती लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम टिक का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट 3 नंबर पे ये क्या लिखा हुआ है, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे, हमारा गणतंत्र दिवस। तो जहाँ पर रिपब्लिक डे लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम टिक का साइन लगा देंगे। बच्चों, इसी के साथ मैं आपको बुक का पेज नंबर 7 करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। देखो, इसमें हम क्या सीखेंगे, आई नो माई बॉडी। आई मतलब मैं, नो मीन्स जानूंगा, माई बॉडी मतलब मेरे शरीर को। तो हमारे शरीर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, मैच द वर्ड्स विद द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के कुछ नेम लिखे हुए हैं, उनको हमने मैच करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेड। आपको दिख रहा है कि हेड को मैच किया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, फिंगर। तो फिंगर कहाँ पर है, ये यहाँ पे फिंगर है, तो हम इसको इस तरह से मैच कर देंगे, फिंगर। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, हैंड। तो हैंड कहाँ पे है हमारा, ये हैंड है, तो हम इसको हैंड के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, फुट। तो हम इसको फुट के साथ मैच कर देंगे, फुट, ये हमारा फुट है। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, नेक। तो नेक कहाँ है, ये यहाँ पे नेक है, तो हम इसको नेक के साथ मैच कर देंगे, क्या है ये, नेक। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, आर्म। आर्म क्या होती है, भुजा, तो हम इसको आर्म के साथ मैच कर देंगे, आर्म। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, लेग। लेग क्या होती है, हमारी टांग होती है, तो हम इसको लेग के साथ मैच कर देंगे, लेग। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, टो। तो हमारी जो पैर की उंगलियां होती हैं, उनको हम टोस कहते हैं, टो। तो ये क्या लिखा हुआ है, टो, तो हम इसको टो के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आर बॉडी नीड्स वाटर।
आर बॉडी मतलब हमारे शरीर को, नीड्स मतलब जरूरत होती है, वाटर मतलब पानी की, हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। हाउ मैनी मतलब कितनी, ग्लासेस मतलब गिलासें, ऑफ वाटर पानी की कितनी गिलासें डू यू ड्रिंक एवरी डे, आप रोज पीते हो, आप रोज कितने गिलास पानी पीते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो बच्चों हम कितने गिलास पानी पीते हैं रोज, 8 glasses ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको क्या लिखना है 8। तो इसी तरह से आपको पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 अच्छे से करना है। आज मैं आपको जीके की बुक का पेज नंबर 8 करवाने जा रही हूँ जिसमें हम कलर्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, कि आप पिक्चर में क्या देख रहे हो। आप पिक्चर में देख रहे हो कि कुछ बच्चे काइट से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे बैलून से खेल रहे हैं, और एक बच्चा है जो फ्लावर्स के पास खड़ा है, और उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ट्रीज हैं, ग्रास है, सन है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो आगे आपको क्या करना है, देखो सर्कल द करेक्ट वर्ड्स, इसमें जो सही वर्ड्स हैं उनको आपको सर्कल करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखो क्या लिखा हुआ है, रेड ऑब्लिक येलो काइट्स। तो बच्चों के पास काइट्स हैं, वो कौन से कलर की हैं, रेड कलर की, तो आपको रेड कलर को सर्कल करना है, ये क्या हो गया रेड काइट्स। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर क्या लिखा हुआ है, ब्लू ऑब्लिक ग्रीन ट्रीज। तो आपको ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से कलर के हैं, ग्रीन कलर के, तो हम ग्रीन के ऊपर सर्कल करेंगे, ग्रीन ट्रीज। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, वाइट ऑब्लिक ऑरेंज फ्लावर्स। तो देखो बच्चों ये बच्चा फ्लावर्स की खुशबू ले रहा है, तो ये फ्लावर्स कौन से कलर के हैं, वाइट, तो हम वाइट के ऊपर सर्कल करेंगे, वाइट फ्लावर्स। नेक्स्ट फोर नंबर पे है, ब्लैक ऑब्लिक ब्लू बैलून्स। तो देखो बच्चों बैलून्स कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के, तो हम ब्लू के ऊपर सर्कल करेंगे, ये क्या हो गया ब्लू बैलून्स। बच्चों ये पेज नंबर 8 मैंने आपको करवाया है, तो अब आगे मैं आपको, आप पहले मैंने आपको पेज नंबर 7 करवाया था जिसमें मैंने आपको बॉडी पार्ट्स करवाए थे, और अब आज मैंने आपको पेज नंबर 8 करवाया है जिसमें मैंने कलर्स नेम करवाए हैं। तो अब ये दोनों पेजेस मैं आपको नोटबुक में करवाने जा रही हूँ, तो सब बच्चे ध्यान से इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे। देखो बच्चों पहले मैं आपको पेज नंबर 7 नोटबुक में करवाने जा रही हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी है, राइट द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो देखो बच्चों नंबर 1 पे मैं क्या लिख रही हूँ, इसमें आपको अपनी बॉडी के पार्ट्स लिखने हैं, इसमें आप कोई भी बॉडी का पार्ट लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे HEAD हेड। सेकंड नंबर पे मैं लिखूंगी NECK नेक। नेक्स्ट ARM आर्म। नेक्स्ट HAND हैंड। नेक्स्ट FINGER फिंगर। नेक्स्ट LEG लेग। नेक्स्ट FOOT फुट। एंड लास्ट
TOES, TOES। देखो बच्चों, मैंने पहले आपको पेज नंबर 7 करवाया जिसमें मैंने आपको बॉडी पार्ट्स करवाए, अब मैं आपको पेज नंबर 8 करवाने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको कलर्स नेम करवाऊंगी, जिसके लिए मैंने हेडिंग लिखी है राइट द नेम्स ऑफ कलर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 पे आपको 1 to 10 तक नंबर लगाने हैं, 10 कलर्स नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेड, RED, रेड। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आप लिखेंगे ब्लू, BLUE, ब्लू। नंबर 3 पे आप लिखेंगे ग्रीन, GREEN, ग्रीन। नंबर 4 पे आप लिखेंगे येलो, YELLOW। नंबर 5 पे आप लिखेंगे ब्राउन, BROWN, ब्राउन। नंबर 6 पे आप लिखेंगे पर्पल, PURPLE, पर्पल। नेक्स्ट 7 नंबर पर वाइट, WHITE, वाइट। नेक्स्ट 8 नंबर पर ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। नेक्स्ट 9 नंबर पर ब्लैक, BLACK, ब्लैक। एंड लास्ट 10 नंबर पर पिंक, PINK, पिंक। तो बच्चों, ये पूरा काम आपको अपनी बुक और नोटबुक में करना है। थैंक यू।